वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी जगह ले चल रहा हूँ जहाँ पे सभी टूरिस्ट जाना चाहते हैं और ये बहुत पॉपुलर है भारतीय और विदेशी टूरिस्ट दोनों में। तो अगर आप गोवा आ रहे हो तो गोवा की इस सुंदर जगह को ज़रूर विजिट करना। आप देख रहे हो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और ये लेडर्स आपको भी चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जा रहा हूँ गोवा का फेमस फोर्ट जेट, दैट इज द फोर्ट चपोरा, जो कि चपोरा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए ऊपर चल के मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ और इसकी पूरी बात बताता हूँ और सब कुछ अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूंगा। इस फोर्ट को मुस्लिम शासक आदिल शाह ने बनवाया था, जिसे शाहपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में जब पुर्तगीज लोगों ने गोवा पर अपना अधिकार जमाया तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और इसका नाम चेंज कर दिया चपोरा फोर्ट। और चपोरा फोर्ट इसलिए रखा क्योंकि इसके बाद इसके पीछे ही, या फिर ये कहें इसके नीचे ही रिवर चपोरा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया चपोरा फोर्ट। और पुर्तगीज लोग यहाँ पर ऊंची जगह पे बनाया था सो दैट ये लोग समुद्र की रखवाली कर सके और समुद्र को देख सके, कोई दूसरा शासक यहाँ पे कब्जा करने के लिए तो नहीं आ रहा या फिर कुछ अटैक तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्पेशली बनवाया गया था। लेकिन आजकल ये एक लवर्स पॉइंट बन गया है, यहाँ पे अब कोई शासक नहीं रहता, यहाँ पे लवर्स शासक रहते हैं और सभी लोग यहीं पर आके इंजॉय करते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never. आप देख सकते हैं ये कम से कम 200 से 300 से साल पुराना है लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है। तो ये थी उस जमाने की जो आकृति थी, उस जमाने की बिल्ड क्वालिटी थी। अभी आप बिल्डिंग बनाओगे तो मनीष कश्यप जैसे लोग रेल देंगे आपको क्योंकि 10 दिन में गिर जाएगी, लेकिन इसे आप देख सकते हैं अभी भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो जो सामने दिख रहा है वो बागाटोर बीच है और बागाटोर बीच इसके नीचे ही है, तो आप वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं बागाटोर बीच पर। लेकिन लोग यहाँ पर आके बहुत कुछ मस्ती करके जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आते हैं क्योंकि जैसे कि पता है गोवा में पुलिस तो कुछ छेड़छाड़ करती ही नहीं। वो देखो कपल्स वहाँ पे बैठा हुआ है इतनी हाइट पे, तो यहाँ पे पुलिस आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी अगर कपल्स हैं या कुछ भी हैं। इसलिए यह एक लवर्स पॉइंट बन गया है आजकल यहाँ पर, और अनजान जान पहचान लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर आके मस्ती करके झाड़ियों के पीछे भी घुसे रहते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। ये आंटी लगता है कुछ लफड़ा है, ये आंटी देखो मुझे देख के फेस छिपा रही है, लगता है तो कुछ तो लफड़ा है। लड़का बहुत छोटा दिख रहा है, जो आंटी है ना वो लगभग 45 इयर्स की है, इसीलिए हो सकता है मुँह छिपा रही हो। लेकिन चलिए छोड़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी देते हैं इस ज़बरदस्त प्लेस की और गोवा के और अच्छे अच्छे जगहों के बारे में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।